हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बंगाली मूवी की जिसका नाम है ड्रैकुला सर। और ये कोई पहली बार है नहीं जो मैं कोई बंगाली सीरीज या मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ। मैं इससे पहले भी कर चुका, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। खैर, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और हमारे इंडिया में पर्टिकुलर इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ऐसी क्या बात है इस मूवी में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मूवी का रिव्यू करने के लिए मेरे दो सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा है। पहले तो भाई तुषार नंदा, जिन्होंने कहा था इंस्टाग्राम पर, और दूसरे है विकास। तो यार थैंक यू सो मच आप दोनों का, इसी तरह से मूवीज और सीरीज सजेस्ट करते रहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे इस मूवी ड्रैकुला सर की। तो देखिए, ये एक बंगाली मूवी है तो इसलिए आपको बंगाली लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिल जाती है। लेकिन फिलहाल अभी ये हिंदी में भी रिलीज हुई है, लेकिन हिंदी में मैंने नहीं देखा, मैंने इसको इसके ओरिजिनल लैंग्वेज बंगाली विथ इंग्लिश सबटाइटल ही देखा। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 9 मिनट की है। कहानी शुरू होती है कोलकाता से, जहाँ पर हमें नजर आते हैं रक्तिम चौधरी, जो कि एक स्कूल टीचर है, लेकिन की जो तीत है वो ड्रैकुला के जितने बड़े होते थे, इस वजह से इनके स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स सब इनको ड्रैकुला सर बोलते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रक्तिम चौधरी खुद बन जाते हैं ड्रैकुला। अब वो ड्रैकुला बनते क्यों है, किस वजह से बनते हैं, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। खैर, अब बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की। ये मूवी आपको अलग अलग चैप्टर्स में देखने को मिलेगी, जो कि आपको देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है। उसके अलावा यहाँ पर इस मूवी में दो अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलेगी, एक तो 1970s की और दूसरी 2020 की, और दोनों ही कहानी पैरेलल चल रही है। और जिस तरह से इन दोनों कहानी को लिखा गया है वो आउटस्टैंडिंग है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस कैरेक्टर्स की। तो यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिसको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। लेकिन इस मूवी में जो तीन ऐसे कैरेक्टर्स है जिनसे आप लोग इजीली कनेक्शन बना लोगे, पहले तो रक्तिम, दूसरे अमोल और तीसरी मंजरी। कहीं ना कहीं आप इमोशनली इन तीनों से कनेक्शन भी बना लोगे। उसके अलावा इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो एकदम हाई लेवल की है, यानी कि किसी बंगाली मूवी से मैंने इस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था जो मुझे देखने को मिली। जिस तरह से उन्होंने हर सीन को शूट किया है यार, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। उसके अलावा जो BGM यूज़ किया है वो तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा हाईलाइट है। स्टार्ट से लेके एंड तक जो BGM आपको सुनने को मिलता है ना, वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चले जाते हैं। और इस तरीके की BGM आपको बहुत ही रेयर मूवीज़ में सुनने को मिलते हैं, जो आपको इस पर्टिकुलर मूवी में फील होगा। उसके अलावा एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर जो लीड एक्टर है जिसने यहाँ पर रक्तिम और अमोल का रोल प्ले किया है, अनिर्वन ने, उन्होंने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया इस पूरी मूवी में। चाहे वो इमोशनल पार्ट हो, चाहे वो स्कैरी पार्ट हो, चाहे वो एक बोलते ना एक हारा हुआ इंसान हो पूरे समाज से, ये सब कुछ हमें उनके परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो दूसरी एक्ट्रेस है मिमी, उनका भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो यहाँ पर इमोशनल सीन से उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा, और एक औचर का सीन है जहाँ पर उनका परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मूवी की कहानी बहुत अच्छी है, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को लिखा है ना बहुत ही गजब का लगता है। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, और इस तरह से डायरेक्ट किया है तो इसका डायरेक्शन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। ओवरऑल ये एक ऐसी मूवी है जो आपको रेयरली देखने को मिलती है इंडियन सिनेमा में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मूवी हॉरर मूवी नहीं है। अगर जो लोग सोच रहे होंगे ये हॉरर है, तो ये बिल्कुल भी हॉरर मूवी नहीं है। ये क्या है वो तो आप लोग इस मूवी को देखोगे तभी ही समझ जाओगे। खैर, पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोल सकता हूँ कि इस मूवी में कुछ वॉयलेंस के सीन्स है जो आप फैमिली और बुजुर्ग के साथ नहीं देखना चाहोगे, वैसे कोई भी एडल्ट सीन नहीं। तो इस हिसाब से ये आप लोग के ऊपर, अगर आपके घर में एडल्ट लोग हैं वॉयलेंस की चीजें देखते हैं तो आप लोग दिखाओ, अदरवाइज आप लोग खुद डिसाइड कर लो। और मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा डेफिनेटली 8.5 out of 10। मेरे हिसाब से एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बस इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये मूवी चेकआउट करना है तो हॉचो ऐप पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। बाय।